किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें वो चीज होती हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते समय सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है लक्ष्य पर ध्यान। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था जिसके इर्द गिर्द मेंढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेंढकों ने सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, और प्रतियोगिता ये होगी कि इस टापू के शीर्ष पर जो मेंढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेंढक प्रयास करने लगे, कोई गिर रहा था तो कोई ऊपर चढ़ रहा था। काफी समय तक ये खेल चलता रहा। अब कुछ मेंढकों ने हार मान ली और पंचायत वाली मुद्रा में बैठ गए ताकि बाकी के मेंढकों को ज्ञान दिया जा सके। जो मेंढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितने सारे मेंढकों ने हार स्वीकार कर ली। इस तरह की नकारात्मक बातें मेंढक बोल रहे थे, मगर इन सबके बीच एक मेंढक था जो अपनी धुन में चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था और पंचायती मेंढक उसको भी ज्ञान दे रहे थे। देखते ही देखते वह टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। सारे मेंढक अचंभित थे। जब वो नीचे आया तो सभी मेंढक उससे पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो मेंढक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मित्र बोला कि इससे क्या पूछते हो, ये तो कुछ नहीं सुन सकता, ये तो बहरा है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर वो बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में भी हीन भावना का प्रवेश हो जाता और वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। रुकावट का कारण भी तो यही होता है। दोस्तों, तरह तरह के लोग तरह तरह से हमें भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है, क्या कभी तुम्हारे बाप ने भी किया है जो तुम करने जा रहे हो। लेकिन अगर हमें लक्ष्य पाना है तो बस उस मेंढक जैसे बहरे होने की जरूरत है और लोगों को ऐसे नजरअंदाज करने की जरूरत है, और हमको लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। रुकावटों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक कोशिश करते रहे। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए और अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।